सो गाइस, इसमें आपको बताने वाला हूँ प्रो कबड्डी के रिलेटेड टॉप 5 अपडेट्स जो निकल के आई है। जैसे कि दोस्तों आपको पता होगा कि मैं आपको रोजाना बताता हूँ कबड्डी के अपडेट्स जो डेली निकल के आती है। अगर आप वीडियो नहीं देख पाते, अपडेट्स नहीं रह पाते, तो आपको एक ही चीज़ करना है, नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा उसे प्रेस कर दिए, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी ऑल पर सिलेक्ट कर देना, ताकि नई वीडियो जब भी डालूँ उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फ़ोन स्क्रीन पर आ जाए। और हाँ गाइस, थैंक यू सो मच, हमारे 32K सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके, 32,000 की फैमिली हो चुकी है। आप सभी से इतना ही प्यार चाहिए था गाइस, ऐसी सपोर्ट दिखाए रहना। और जिस बंदों ने अभी सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी ऑल पे सिलेक्ट कर लेना। हमें जल्द ही 40,000 सब्सक्राइबर का माइलस्टोन भी कंप्लीट करना है। तो चलो दोस्तों, बात करते हैं यहाँ पे सबसे पहले अपडेट की। तो गाइस, यहाँ पे सबसे पहले अपडेट निकल के आता है प्रो कबड्डी के ही रिलेटेड। दोस्तों यहाँ पे प्रो कबड्डी ने एक फोटो अपलोड किया है जहाँ पे लिखा है कि PKL ओवर द ईयर सीजन 1 में जयपुर पिंक पैंथर्स जो सीजन 1 की चैंपियन थी, वहां पे दोस्तों कुछ स्टेट शेयर किया है प्रो कबड्डी ने, जहां पे लिखा है कि जयपुर पिंक पैंथर्स ने टोटल मोस्ट पॉइंट्स, यानी कि सीजन 1 में सबसे ज्यादा पॉइंट्स लेने वाली टीम जयपुर पिंक पैंथर्स थी, जिन्होंने 579 रेड पॉइंट्स लिया। मोस्ट रेड पॉइंट लेने वाले टीम यूम्बा थी, जिन्होंने 347 रेड पॉइंट लिए। मोस्ट डुओ डाई रेड पॉइंट्स लेने वाली टीम थी जयपुर पिंक पैंथर्स, जिन्होंने 50 डुओ डाई रेड पॉइंट्स लिए। मोस्ट टैकल पॉइंट्स लेने वाली टीम थी जयपुर पिंक पैंथर्स, जिन्होंने 170 टैकल पॉइंट लिए। और MVP प्रो कबड्डी सीजन 1 के थे अनुप कुमार। बहुत ही डिटेलिंग स्टेट्स बताया गया है प्रो कबड्डी सीजन 1 का। अगर आपको और डिटेल में जानना है तो आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं गाइस। वहीं बात की जाए अगले अपडेट की, तो अगला अपडेट निकल कर आता है प्रो कबड्डी के ही रिलेटेड। दोस्तों यहाँ पे प्रो कबड्डी ने बहुत ही अच्छा, यानी कि स्टेट का शेयर किया। जैसे कि आप सभी को पता हो कि भारत में अर्जुन अवार्ड होता है, जिसमें जो बड़े बड़े मतलब कि जो व्यक्ति होते हैं उनको अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। तो गाइस, यहाँ पे जो प्रो कबड्डी के बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो अर्जुन अवार्ड ऑलरेडी जीत चुके हैं, जिनको अर्जुन अवार्ड दिया गया है गाइस, उसमें से मैं आपको प्लेयर्स के नाम बता देता हूँ। तो जो सबसे पहले प्लेयर थे वो थे अनूप कुमार, जिनको अर्जुन अवार्ड मिला था। देन इसके बाद उनको मिला था मनजीत चिल्लर को भी अर्जुन अवार्ड मिला था। देन इसके बाद अजय ठाकुर को अर्जुन अवार्ड मिला था। इसके बाद राकेश कुमार को अर्जुन अवार्ड दिया गया था। फिर उसके बाद जसवीर सिंह को अर्जुन अवार्ड मिला था। एंड आपको पता ही होगा करंटली दीपक निवास हुड्डा को भी अर्जुन अवार्ड मिला था गाइस। इससे कबड्डी का नाम बहुत ऊंचा होता है कि भारत में भी बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स हैं जो अच्छा परफॉर्मेंस दिखाते हैं गाइस। वहीं बात की जाए अगले अपडेट की, तो अगला अपडेट प्रो कबड्डी के रिलेटेड निकल के आती है गाइस। यहाँ पे प्रो कबड्डी ने एक फोटो शेयर किया जहाँ पे लिखा गया 26 जुलाई 2014 यू मुंबई एंड जयपुर पिंक पैंथर्स प्लेड द इनऑग्युरल PKL मैच। गाइस, आपको पता है कि नहीं, प्रो कबड्डी सीजन 1 का फाइनल गाइस क्या ही वो फाइनल था, जिसमें हमें पहला चैंपियन देखने को मिला था। एंड वो PKL का एनकाउंटर मैच मुझे आज भी याद है, और हमें पहला चैंपियन मिल गया था, वो था जयपुर पिंक पैंथर्स। तो गाइस, यहाँ पे बात करते हैं अगले अपडेट की। तो जैसे कि मैंने आपको प्रो कबड्डी सीजन 1 का स्टेट्स बताया, वैसे ही प्रो कबड्डी ने आज प्रो कबड्डी सीजन 2 का स्टेट्स शेयर किया है। तो गाइस, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से स्टेट्स है। तो गाइस, यहाँ पे सबसे पहला आता है मोस्ट टोटल पॉइंट्स लेने वाली टीम कौन सी। तो गाइस, मोस्ट टोटल पॉइंट्स लेने वाली टीम थी तेलुगु टाइटंस, जिन्होंने 586 टोटल पॉइंट्स लिए। मोस्ट रेड पॉइंट लेने वाली टीम भी तेलुगु टाइटंस थी, जिन्होंने 344 रेड पॉइंट्स लिए थे। मोस्ट डुओ डाई रेड पॉइंट्स लेने वाली टीम यू मुंबई थी, जिन्होंने 81 डुओ डाई रेड पॉइंट्स लिए थे। एंड यहाँ पे मोस्ट टैकल पॉइंट्स लेने वाली टीम यू मुंबई थी, जिन्होंने 196 टैकल पॉइंट्स लिए थे। एंड सीजन 2 के MVP मनजीत चिल्लर थे, एंड सीजन 2 के चैंपियन थे यूम्बा। और उसी के रिलेटेड लिखा है कि अनूप कुमार एंड यूम्बा वेर अ मैच मेड इन कबड्डी हेवन, मेंशन और फेवरेट एनकाउंटर फ्रॉम PKL सीजन 2 इन द कमेंट्स। मुझे आज भी याद है प्रो कबड्डी सीजन 2 का फाइनल जो बेंगलुरु बुल्स एंड यूम्बा के बीच में खेला गया था, जिसमें यानी कि बेंगलुरु बुल्स की टीम पहली हाफ में जो रिव्यू था वो गवा दी थी, और जो मैच खेला गया था एंड में यूम्बा की टीम बाजी ले ली। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे जीत चिलर का भी परफॉर्मेंस प्रो कबड्डी सीजन 2 में बहुत अच्छा था। तो गाइस, अब बात करते हैं अगले अपडेट की। अगला अपडेट निकल के आता है प्रो कबड्डी के नए फॉर्मेट, यानी कि नए ऑक्शन की फॉर्मेट के रिलेटेड निकल के आता है गाइस। यहाँ पे प्रो कबड्डी में ऑक्शन होगा अगले सीजन, लेकिन किस टाइप का होगा वो मैं आपको वीडियो डिटेल में बताने वाला हूँ। वो इतना लंबा प्रोसीजर है, आपको एक्सप्लेन करने में ज़्यादा टाइम लग जाए। तो गाइस, आपको प्रॉपर वीडियो देखना है तो आपको कल तक वो वीडियो देखने को मिल जाएगी। अगर आपको मिस नहीं करना है तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा उसे प्रेस करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर देना। कल आपको करेक्ट
सुबह के टाइम में वीडियो मिल जाएगी तो गाइस मिस नहीं करना है, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है गाइस। इस वीडियो का लाइक एम रखते हैं 100 लाइक्स का, उम्मीद आप लाइक एम को कंप्लीट करा देंगे। एंड थैंक यू सो मच आज जिसने बंदो सब्सक्राइब किया है, आप सभी को थैंक यू सो मच, आप सभी के वजह से आज हमारा चैनल 32 का सब्सक्राइबर का अचीवमेंट कंप्लीट कर लिया है। तो गाइस आप सभी को मेरी तरफ से बहुत ज़्यादा प्यार, तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगेगी, अगर आपको थोड़ी पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो गाइस उम्मीद है आपको अच्छी लगेगी, मिलते हैं एक और इंटरेस्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, गुड बाय।